बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मौज़म अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल डिज़ाइन हाउस। तो कोरल डिज़ाइन हाउस में आज हम लोगो बनाएंगे, वो भी रेज़र टूल के इस्तेमाल से। तो चलते हैं अपने कोरल ड्रा में, शुरू करते हैं कि लोगो कैसे बनाते हैं, वो भी रेज़र टूल के इस्तेमाल से। सही हो गया। ज़्यादातर रेज़र टूल का जो है उसमें ट्रिक लगाएंगे और उसके ज़रिए जो है ना लोगो क्रिएट करेंगे। पहले हम इधर ये अलिफ टूल जो ड्रा करेंगे, पी दबाएंगे, इसको करेंगे मिडल। ये नीचे वाला पेज जो थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे, इधर से 35, इधर से 15 कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे गाइडलाइन। गाइडलाइन में बल्कि पहले इधर से लेते हैं गाइडलाइन, एक गाइडलाइन इधर रखेंगे और एक गाइडलाइन रखेंगे इधर। इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, बल्कि इधर इसको थोड़ा सा करेंगे इधर। सही हो गया। दूसरी गाइडलाइन रखेंगे इधर और एक गाइडलाइन रखेंगे इधर, थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसको भी थोड़ा सा करेंगे नीचे। सही हो गया। अब हम करेंगे रेजर टूल के इस्तेमाल से एक लोगो क्रिएट कर रहे हैं। जब बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लोगो है। टूल में आ जाए इधर, ये रेज़र है, ये वाला रेज़र देख रहे हैं आप, इसका शॉर्टकट की एक्स है। और वैसे आप मैनुअली आप यहाँ पे आके एक दो ये तीसरे वाले पे इसमें जब ये कोने में सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे नीचे पड़ा होगा, इसको सेलेक्ट करें और इधर से हम करेंगे क्लिक और इधर से करेंगे क्लिक करके इधर करेंगे, ओके हो गया। फिर ऐसे ही हम इधर से करेंगे क्लिक और इधर करेंगे, ओके सही हो गया। तो अब दूसरा जो है फिर वो चीज़ करेंगे, इधर से करेंगे क्लिक और इधर करेंगे प्रेस, फिर इधर से क्लिक करेंगे और इधर करेंगे माउस का बटन प्रेस। सही हो गया। अब ये दो काम हो गया, अब तीसरा काम हमारा क्या हो गया, रह गया कि ए वाला कॉर्नर देखा, इससे पकड़ेंगे और नीचे कॉर्नर से होते हुए ये वाले से मिला देना आपने, इधर आपने बिल्कुल इक्वल टू कॉर्नर मिला देना। सही हो गया। तो ये हाँ, यहाँ तक हमारा काम हो गया। ये हम जो गाइडलाइन है उसको कर देंगे डिलीट, ये वाली गाइडलाइन इसको हम डिलीट कर देंगे। सही हो गया। तो अब हम ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये अभी तो ये फुल सारा एक है, लेकिन हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे और ये ऊपर का हिस्सा डिलीट करना चाहते हैं, इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और माउस का राइट वाला बटन दबा के ये ब्रेक कर्व अपार्ट लिखा हुआ, इसका कंट्रोल शार्ट भी आप कंट्रोल प्लस के दबाएंगे तो फिर भी ब्रेक हो जाएगा, इस पर क्लिक किया और ये अलग हो गया। सेलेक्ट करके ये देखें तो इसको हम करेंगे डिलीट, कीबोर्ड पे माउस के कीबोर्ड से डिलीट का बटन है, उससे भी आप डिलीट कर सकते हैं। सही हो गया। तो और अब इसमें काम क्या करेंगे, और अब लेंगे इसमें गाइडलाइन इधर रखेंगे, एक गाइडलाइन रखेंगे इसके लेवल में, तो
एक गाइडलाइन हम रखेंगे, ये इस कॉर्नर में सही हो गया, और एक गाइडलाइन हम रखेंगे इस कॉर्नर में। अब इसके बीच में हमने एक और जो है ना बनाना है, इसमें बनाएंगे हम ये, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा क्या बनाएंगे। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे, ये इस पर सेलेक्ट करके, और ये कॉपी लिखा हुआ सही हो गया, ये कॉपी इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हो गया कॉपी, सही हो गया। और बाद में कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो अब हम ये देखें, इसको इधर ड्रा करेंगे तो ये एक जो है कॉपी ड्रा होती हुई इधर सामने शो हो जाएगी, सही हो गया। तो इसको रखेंगे इसके साथ, यहाँ तक ये काम हो गया। अब हमको एक और छोटा सा ऐसे ही ड्रा करना है ये, और इसको हम करेंगे इस तरफ, और रखेंगे इधर इसके मिडल में, इधर भी गाइडलाइन ले लेंगे ताकि उसको जो है ना सीधा कर दें। ये तो आप उसे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट उसकी कर सकते हैं, सही हो गया। नहीं हो रहा तो खाली वाली इधर से आएंगे, रेक्टेंगल लेंगे और इधर से दोबारा ये ऐसे जो है दोबारा क्रिएट कर दें, सही हो गया। और ये आउटलाइन पकड़े और इसको मिडल की तरह उसके मिडल में कर दें, ये मिड पॉइंट इधर रख। तो ये हो गया यहाँ तक, ये काम आउटलाइन को हम डिलीट कर देंगे, सॉरी गाइडलाइन को, ये गाइडलाइन है अलाइनमेंट करने के लिए काम आती है, इसको डिलीट, सही हो गया। तो अब इसको हम पूरा को सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम कलर दे देंगे, कौन सा कलर दे देंगे, कौन सा दे देंगे, कौन सा कलर दे देंगे, ये वाला डार्क डार्क कलर, राइट भी और लेफ्ट भी, सही हो गया। तो ये आपके सामने जो है लोगो हो गया रेडी, सही। तो ऐसे आप लोगो जो है तैयार कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का, कि इसमें आप रेज़र का हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया, रेज़र का रेज करके देखे हमने ये लोगो जो है तैयार किया। तो इसी तरह आप जो है रेज़र का इस्तेमाल करके ऐसा लोगो बना सकते हैं। तो आज का था यही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह नबी निगेबान।